Sangeeta Saxena, Principal, Government Women's Polytechnic College, Bikaner. आज मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रथम वर्ष टेक्सटाइल डिजाइन में पढ़ाए जाने वाले विषय इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर के बारे में बताने जा रही हूँ. इसके बारे में पूर्व में जो वीडियो लेक्चर था उसके अंतर्गत मैंने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले टेक्सटाइल फाइबर के वर्गीकरण के बारे में बताया था. उसको चार्ट के माध्यम से आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. आगे उसको जारी रखते हुए मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा था उसमें सबसे पहले आता है नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर हम किसे कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक रेशे. प्राकृतिक रेशे वो रेशे होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात पेड़ पौधे, एनिमल, कीड़े एवं मिनरल यानी कि खनिज पदार्थों से प्राप्त होने वाले रेशे प्राकृतिक रेशे कहे जाते हैं. प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत तीन तरह से रेशे हैं, जिसे कि हम वेजिटेबल फाइबर, एनिमल फाइबर, मिनरल फाइबर कहते हैं, अर्थात वानस्पतिक रेशे, जांतव रेशे एवं खनिज रेशे. हम सबसे पहले वेजिटेबल फाइबर के बारे में समझेंगे. वेजिटेबल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो कि हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं. इनके मटेरियल में, सामग्री में मूल सेल्यूलोज होता है, इसी कारण हम इसे सेल्यूलोजिक फाइबर भी कहते हैं. वेजिटेबल फाइबर को पुनः उनकी प्राप्ति स्रोतों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है. वो है सीड फाइबर, स्टेम फाइबर, लीफ फाइबर. सीड फाइबर यानी कि बीज से प्राप्त होने वाले रेशे. स्टेम फाइबर मीन्स जो रेशे हमें तने से प्राप्त होते हैं. और लीफ फाइबर यानी कि पत्तों से प्राप्त होने वाले रेशे. सीड फाइबर के अंतर्गत दो रेशे आते हैं, कॉटन एवं कपूक. स्टेम फाइबर के अंतर्गत लिनेन, जूट, हेम, रेमी, सन और क्वायर आता है. लीफ फाइबर के अंतर्गत मनीला, पीना और सीसल आता है. तो सबसे पहले हम सीड फाइबर से प्राप्त होने वाले रेशे के बारे में अध्ययन करेंगे. इसके अंदर है कॉटन. सीड फाइबर वो रेशे होते हैं जो कि हमें प्लांट के बीज से प्राप्त होते हैं. कॉटन, कॉटन जो है प्लांट, कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है. इसके अंदर जब फूल आते हैं, फूल झड़ जाते हैं तो उसमें कोए निकलते हैं. कोए के अंदर बीज होता है, उस बीज के चारों तरफ ये रेशे लिपटे हुए होते हैं. और इन रेशों को उस समय ही पता चलता है कि ये रेशे तैयार हो गए हैं और इनको कलेक्ट किया जाता है. कॉटन फाइबर को यूनिवर्सल फाइबर भी कहा जाता है, अर्थात विश्वव्यापी रेशा, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध होने वाला और अत्यंत उपयोगी रेशा होता है. इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अर्थात निर्माण प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में हम देखेंगे कि इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या है. तो सबसे पहले गैदरिंग ऑफ पॉड्स मीन्स की जो कोए हैं उनको कलेक्ट करना. जिस समय ये तैयार हो जाता है और बीज के चारों तरफ से रेशे चिपके हुए रहते हैं, उस समय हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं. इसको जमीन पे गिरने से जहां तक होता है बचाते हैं, क्योंकि ज्यादा खराब ना होने पाए. नेक्स्ट स्टेप आता है गीनिंग एंड बेलिंग. गीनिंग प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जहां पे बीज और पत्तों को इसमें से अलग किया जाता है रेशों में से. बेलिंग के अंतर्गत जो साफ किए हुए रेशे हैं उनकी गांठें बनाई जाती है और इन गांठों को आगे की प्रोसेस के लिए मिलों में भेजा जाता है. इन गिनिंग की प्रक्रिया तीन तरह से की जाती है, हाथ द्वारा यानी कि हैंड गिनिंग, रॉड गिनिंग यानी कि रॉड के द्वारा, और मशीन गिनिंग, मशीन के द्वारा इनकी सफाई की जाती है. नेक्स्ट आता है ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ बेल्स. मीन्स इसके अंतर्गत जब गांठों को मिलों में भेजा जाता है, वहां पे सारे गांठों को खोला जाता है और उन रेशों को आपस में मिलाया जाता है. नेक्स्ट आता है कार्डिंग. कार्डिंग के अंतर्गत उन रेशों को जो हमने मिक्स किया है, यहाँ पर कार्डिंग मशीन द्वारा उसकी कार्डिंग की जाती है, धुनाई की जाती है, जिससे उसमें रही अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं, साथ में वो रेशे समानांतर हो जाते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तैयार होते हैं.
नेक्स्ट होता है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग के अंतर्गत इसकी कंघी करना कहते हैं इसे। कुछ रेशे होते हैं जो कुछ रेशे कार्डिंग के पश्चात ही हम स्पिनिंग में ले जाते हैं और कुछ जो है वो कॉम्बिंग के लिए जाते हैं। कॉम्बिंग किए हुए रेशे से उच्च क्वालिटी के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। कॉम्बिंग और कार्डिंग के पश्चात स्लाइवरिंग यानी कि उन रेशों की पुनी बनाना। पुनी की प्रक्रिया यहाँ तक फाइबर की कंप्लीट हो जाती है, उसके पश्चात फाइबर से यार्न यानी कि धागा बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। स्लाइवरिंग पुनी बनाने के बाद स्पिनिंग में आता है। यहाँ पर आवश्यकता अनुसार यानी कि धागे की बारीकी मोटाई और उनकी फाइननेस के अनुसार धागे की कताई की जाती है। फिर आता है वीविंग। वीविंग में वस्त्र की उपयोगिता के अनुसार एवं डिजाइन के अनुसार कपड़े की बुनाई की जाती है। फिनिशेस, वस्त्र की परिसज्जा यानी कि वस्त्र की गुणवत्ता एवं उसको आकर्षक बनाए जाने के लिए फिनिशिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। डाइंग एंड प्रिंटिंग यानी कि जब लूम से कपड़ा उतरता है तो वो प्लेन होता है, उसको उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसकी रंगाई एवं छपाई की जाती है ताकि वस्त्र को आवश्यकता अनुसार उसको आकर्षक युक्त बनाया जा सके। इसका उत्पादन अधिकांशतः अमेरिका, इंडिया, इंग्लैंड, ब्राजील एवं साउथ अफ्रीका में किया जाता है, जिसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत द्वितीय स्थान पर इसके उत्पादन में आता है। नेक्स्ट आता है बीज से प्राप्त होने वाला रेशा कापोक। कापोक नामक ट्री से इस तरीके का रेशा हमें प्राप्त होता है। इसके निर्माण प्रक्रिया बिल्कुल कॉटन के समान ही होती है। इसके रेशे में ट्विस्ट कम होता है जिसके कारण इसका इस तरह के रेशे का निर्माण वस्त्रोपयोगी रेशे के लिए नहीं किया जाता है। इसका अधिकांशतः उपयोग लाइफ सेफ्टी मैट एवं फिलिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, यानी कि भरावन के लिए, तकिए की या मैट्रेस की भरावन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यह अधिकांशतः भारत एवं वेस्ट इंडीज में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट आता है तने से प्राप्त होने वाले रेशे। तने से प्राप्त होने वाले रेशे वो होते हैं जो कि तने से प्राप्त किया जाता है। इनको फर्मेंटेशन यानी खमीरीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस में इस तरह के प्रोसेस से जो रेशे तैयार किए जाते हैं उनको हम स्टेम फाइबर कहते हैं। इसके अंतर्गत लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, सन एवं क्वायर आता है। सबसे पहले हम लिनन के बारे में देखेंगे। लिनन फ्लैक्स नाम के पौधे से प्राप्त होता है और अच्छी क्वालिटी का लिनन बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, अमेरिका, जर्मनी एवं रशिया में उत्पादित किया जाता है। इसके निर्माण प्रक्रिया में लिनन के जो फ्लैक्स नाम का पौधा होता है जब ये तैयार हो जाता है तो इसकी कटाई नहीं की जाती है बल्कि तने के पास से यानी कि इसको खींचकर निकाला जाता है। उसके पश्चात इसको सुखाया जाता है और साफ किया जाता है, यानी कि जो तने रेशों के लिए हमने लिए हैं यूज करना है उनको सबसे पहले सुखाते हैं और सुखाने के बाद उसके अंदर उसकी सफाई की जाती है। सफाई करने के पश्चात इनका बंडल बनाया जाता है ताकि आगे की प्रक्रिया आसान हो सके। तत्पश्चात इसे गलाया जाता है। गलाना यानी कि फर्मेंटेशन खमीरीकरण करना। इसके लिए इसको डिफरेंट तरह के पॉन्ड्स या खुले मैदान में या ओस की उसमें हम या मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा इसकी खमीरीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर आता है तोड़ना यानी कि खमीरीकरण के पश्चात जो तने तैयार हो गए हैं उनको तोड़ने की प्रक्रिया की जाती है, प्रोसेस अपनाया जाता है। फिर उसे कूट कूट कर तने से उस रेशे ऊपरी छाल से जो छाल होते हैं उसमें रेशे को अलग किया जाता है। उसके पश्चात कॉम्बिंग एंड हैकलिंग। कॉम्बिंग की प्रक्रिया कॉटन के समान ही होती है या और लेकिन चूंकि लिनन का फाइबर काफी डेलिकेट होता है इसकी कॉम्बिंग की प्रक्रिया में सावधानी रखनी पड़ती है। कॉम्बिंग से जो उसके अंदर रही अशुद्धियां हैं
वो भी दूर हो जाता है, साथ में रेशा समानांतर चिकना और पैरेलल और लंबाई लिए हुए प्राप्त होता है। इसमें छोटे रेशे अलग हो जाते हैं और बड़े रेशे अलग हो जाते हैं। बड़े रेशे से अच्छी क्वालिटी के कपड़ों का निर्माण किया जाता है, जबकि वह छोटे रेशों से लोअर क्वालिटी के कपड़ों का निर्माण किया जाता है। उसके पश्चात स्पिनिंग यानी कि धागा बनाना, कताई करना और फिर डिजाइन के अनुसार कपड़ा बनाना बुनाई प्रोसेस के द्वारा, फिर होता है कपड़े की गुणवत्ता के अनुसार उसकी फिनिशिंग करना। तो ये रहा लिनन वस्त्र की निर्माण प्रक्रिया। फिर आता है जूट। जूट प्लांट के पौधों से प्राप्त किया जाता है। इसकी ऊंचाई 5 से 6 फीट होती है। इसका रेशा काफी मुलायम चमकदार और पीलापन लिए हुए होता है। यह अधिकांशतः यह इंडिया और बांग्लादेश में उत्पादित किया जाता है। इसका प्रयोग बोरी, रस्सी, कारपेट एवं दरी के लिए किया जाता है। इसका फाइबर थोड़ा कड़ा और मोटा होता है। नेक्स्ट आता है रेमी। रेमी नेटल नाम के पौधे से प्राप्त होता है। इसकी कटाई करने के पश्चात यह बहुत ही जल्दी उत्पादित होता है, इसीलिए इसका उत्पादन वर्ष में 3 बार किया जाता है। इसे चाइना ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिमम इसका उत्पादन ईस्ट इंडिया, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एवं फ्लोरिडा में किया जाता है। इसका प्रयोग टेबल क्लॉथ, नैपकिन एवं ट्रे क्लॉथ के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हेम्स और पटसन। यह कानुबेसिस सटाइबा प्लांट से प्राप्त होता है। यह चमकदार, सीधा परंतु रफ एवं कड़ा होता है। इसमें टेक्सटाइल वस्त्र बनाने की कुछ गुणवत्ताओं की कमी होती है, जिसके कारण इसका निर्माण वस्त्र के लिए कम किया जाता है। इसे अधिकांशतः कैनवास, कारपेट, शूसोल, रोप एवं दरी के लिए किया जाता है। यह बहुत ही मजबूत होता है। इसका कलर ब्लैक होता है, अतः इसकी डाइंग संभव नहीं होता है। इसका उत्पादन यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी एवं इंडिया में किया जाता है। चाइना, मास्को, रशिया, फिलीपाइन इत्यादि देशों में भी इसका किया जाता है। इंडिया में इसका अधिकतम उत्पादन तमिलनाडु, कर्नाटका एवं महाराष्ट्र में किया जाता है। नेक्स्ट है सन। सन नामक प्लांट से इस तरह की प्राप्ति होती है। इसका प्रयोग मैट, सुतली, कारपेट इत्यादि के लिए किया जाता है। इसका अधिकांशतः उत्पादन साउथ एशिया कंट्री एवं इंडिया में किया जाता है। फिर आता है क्वेर। क्वेर कोकोनट के ऊपरी सतह से प्राप्त किया जाता है। यह काफी ड्यूरेबल और मजबूत फाइबर अर्थात टिकाऊ एवं मजबूत होता है, परंतु यह रफ और कड़ा होता है। इसका प्रयोग भी सुतली, रस्सी, चटाई, डोरमैट, दरी इत्यादि के लिए किया जाता है। साथ में यह चेयर और मैट्रेस की भरावन के लिए भी इस रेशों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लीफ फाइबर अर्थात पत्तों से प्राप्त होने वाले रेशे। ये रेशे हैं मनीला और अबाका। अबाकक नामक ट्री के पत्तों से इस रेशे की प्राप्ति होती है। इसके पौधे की ऊंचाई 10 फीट होती है। इसका कलर गोल्डन, व्हाइट एवं चमकदार होता है। यह मजबूत एवं टिकाऊ फाइबर होता है, इसी कारण इसका प्रयोग सी रोप के लिए किया जाता है। मैक्सिमम इसका उत्पादन फिलीपाइन, जावा और ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। नेक्स्ट है पीना। पीना पाइनएप्पल के पत्तों से प्राप्त किया जाता है। इसका पत्ता थोड़ा थिक होता है, उन पत्तों से इसकी प्राप्ति की जाती है। यह काफी फाइन स्ट्रॉन्ग होता है। इसका प्रयोग बैग और मैट के लिए किया जाता है। अधिकांशतः इसका उत्पादन मैक्सिको एवं ब्राजील में किया जाता है। नेक्स्ट आता है सीसल। सीसल नाम के
पौधे से इसकी प्राप्ति की जाती है। इसके लीफ को ग्राउंड के पास से, ग्राउंड रूट के पास से लिया जाता है। इसको खुरच के साफ करके इसमें से रेशे को प्राप्त किया जाता है। इसका फाइबर चमकदार, मजबूत, रफ एवं लाइट येलो कलर का होता है। इसका प्रयोग सुतली, रस्सी इत्यादि के लिए किया जाता है। अधिकांशतः इसका उत्पादन अफ्रीका, जावा एवं ईस्ट इंडिया में किया जाता है। तो ये रहा वानस्पतिक रेशे यानी कि वेजिटेबल फाइबर, जो कि हमें बीज, स्टेम्स और लीफ से प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं एनिमल फाइबर या प्रोटीन फाइबर, जो कि जांतव रेशे होते हैं। जांतव रेशे वो रेशे होते हैं जो कि एनिमल से, एनिमल फाइबर कहलाते हैं और ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वूल और सिल्क इसके अंतर्गत आते हैं। वूल की प्राप्ति हमें भेड़ों के बालों से प्राप्त होती है, जबकि पर सिल्क सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। इन्हें भी इसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसे हम प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। एनिमल फाइबर की रिजाइलेंसी यानी कि इसकी प्रतिस्कंदता बहुत ही अच्छी होती है। प्राप्ति स्रोतों के आधार पर इन्हें भी दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है वूल और दूसरा है सिल्क। वूल फाइबर को हम भेड़ों के बालों से, शिप हेयर से प्राप्त करते हैं। इसका अधिकांशतः उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, स्पेन एवं इंडिया में होता है। बेस्ट क्वालिटी का वूल मैरिनो शिप से प्राप्त होता है। वूल की निर्माण प्रक्रिया के बारे में हम संक्षेप में देखेंगे कि वूल के निर्माण कैसे किया जाता है। सबसे पहले आता है शेयरिंग ऑफ वूल यानी कि वूल की कटाई। वूल की कटाई बहुत ही ध्यानपूर्वक की जाती है, क्योंकि भेड़ों के ऊपर से, भेड़ों के शरीर से वूल को जब कटाई करते हैं तो उनके विभिन्न भागों से प्राप्त वूल को अलग अलग कटाई करके रखा जाता है। जैसे कि वूल की कटाई हम दो तरह से करते हैं, शेयरिंग बाय हैंड एंड शेयरिंग बाय मशीन, यानी कि हाथ से कटाई और मशीन से कटाई। शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यानी कि छटाई और उनका श्रेणीकरण करना। काटते समय ही हम वूल की उनकी शॉर्टिंग कर लेते हैं, ग्रेडिंग कर लेते हैं, और ये डिपेंड करता है कि उनकी बारीकी यानी कि फाइननेस और लेंथ ग्रेड स्पेसिफिकेशन यानी कि लंबाई के आधार पर इनको हम अलग अलग रखते हैं। फिर आता है क्लीनिंग एंड स्कोरिंग। जब कटाई हो जाती है उसके पश्चात इनकी सफाई और हम स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग तीन तरह से की जाती है, स्कोरिंग विद सोप सॉल्यूशन, स्कोरिंग विद वॉलेटाइल और सॉल्वेंट बाय कार्बोनाइजिंग। इसके बाद जब इस क्लीनिंग एंड स्कोरिंग हो जाता है, फिर हम उसको सुखाते हैं, ऑयलिंग करते हैं और फिर कॉर्डिंग करते हैं यानी कि उसकी धुनाई की जाती है। धुनाई के पश्चात ये दो भागों में हो जाता है, वूल फाइबर और वर्स्टेड फाइबर। यानी अगर हमें उच्च क्वालिटी के गुणवत्तापूर्ण फाइबर का निर्माण करना है, रेशों के निर्माण द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जाना है, तो हम उसे कॉम्बिंग के लिए ले जाते हैं और अदरवाइज हम वुलन फैब्रिक को ही हम निम्न प्रोसेस यूज करते हैं। वुलन के लिए लेस कार्डिंग बाय म्यूल फ्रेम, स्पिनिंग, वीविंग। वीविंग के में जो हम डिजाइन लेते हैं वो अधिकांशतः इसके लिए प्लेन या ट्वेल्व वेब होता है और फिर फिनिशेस यूज किया जाता है। वर्स्टेड फैब्रिक के निर्माण के लिए कार्डिंग के पश्चात इसमें मोर कार्डिंग बाय एनी कार्डिंग मशीन, इसकी और अधिक कार्डिंग की जाती है, जिससे कि रेशा समानांतर, फाइन और काफी स्वच्छ हो जाता है। इसमें ये रेशे काफी लंबे होते हैं। उसके बाद कॉम्बिंग की जाती है। कॉम्बिंग प्रक्रिया के अंतर्गत और रही हुई अशुद्धियां बिल्कुल साफ हो जाती हैं। रेशा बिल्कुल मुलायम, चिकना, लंबा और समानांतर हो जाता है। ड्रॉइंग, इसकी खिंचाई की जाती है। फिर रोइंग एंड ट्विस्टिंग, इसको रोइंग और ट्विस्टिंग के द्वारा
हम इसकी कताई के लिए तैयार करते हैं, कताई होती है, फिर इसके बाद डिजाइन के अनुसार जो हमें कपड़ा निर्माण करना है, बनाना है, उसके अनुसार इसकी वीविंग की जाती है और फिर फिनिशिंग कपड़े की गुणवत्ता और आकर्षक युक्त बनाने के लिए इनके में फिनिशिंग की प्रक्रिया की यूज की जाती है। तो ये रहा वूलन फैब्रिक के बारे में कि वूल क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है और संक्षेप में उसकी निर्माण प्रक्रिया। नेक्स्ट हम आते हैं सिल्क, जो कि जांतव रेशा है। इसे हम सिल्क वॉर्म से प्राप्त करते हैं, यानी कि सिल्क के कीड़ों से। ये दो तरह के होते हैं। ओरिजिनल सिल्क को हम शहतूत के पत्तों पे पलने वाले कीड़ों से प्राप्त करते हैं, जिसे कि मलबरी सिल्क भी कहा जाता है। सिल्क वॉर्म से प्राप्त होने वाले कीड़ों से प्राप्त होते हैं। दूसरा, और इसे हम कल्टीवेटेड सिल्क भी कहते हैं। दूसरा वाइल्ड सिल्क होता है, जो कि जंगलों में पलने वाले कीड़ों से, पेड़ों पर रहने वाले कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। ये होता है टसर सिल्क, मूंगा और एरी सिल्क। इसके निर्माण प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। ये जो सिल्क है वो अधिकांशतः चाइना, इंडिया, जापान, फ्रांस और थाईलैंड में पाया जाता है। निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत देखेंगे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है कीड़ों का पालना, क्योंकि उन्हीं कीड़ों के द्वारा सिल्क फाइबर का निर्माण किया जाता है। ये कीड़ों की लाइफ साइकिल जो होती है वो चार स्टेजेस में होती है, एग, लार्वा, प्यूपा और सिल्क वॉर्म। फिर उसके बाद आता है शॉर्टिंग ऑफ कोकून, कोकून की छटाई करना, सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन, जो सेरिसिन प्राप्त होता है उसको सॉफ्ट किया जाता है, मुलायम किया जाता है, रीलिंग द फिलामेंट, फिलामेंट को तैयार करना, ड्राइंग ऑफ स्किन, जो लच्छी होती है उसको सुखाना, बेलिंग, गांठे बनाना। फिर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न, बेलिंग के बाद यार्न बनाना, धागा बनाना, डिगमिंग यानी कि धागा बनाने के बाद उसमें जो लगी हुए मोम होते हैं उनको हटाना, ब्लीचिंग करना, फिर उसके बाद रंगाई और प्रिंटिंग, फिनिशिंग और वेइंग ऑफ सिल्क। ये इसके निर्माण प्रक्रिया है। इनका विस्तृत अध्ययन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये रहे जांतव रेशे। नेक्स्ट आता है मिनरल फाइबर अर्थात खनिज रेशे। खनिज रेशे वो रेशे होते हैं जो हमें खानों से प्राप्त होते हैं। ये है डिफरेंट खानों से सॉलिड फॉर्म में इनकी प्राप्ति होती है। ये होते हैं गोल्ड, सिल्वर और एस्बेस्टस। गोल्ड और सिल्वर फाइबर का प्रयोग अधिकांशतः कपड़े के ऑर्नामेंटेशन के लिए किया जाता है। मिनरल फाइबर को उनके प्राप्ति के आधार पर तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, गोल्ड, सिल्वर और एस्बेस्टस। गोल्ड फाइबर काफी अट्रैक्टिव होता है। इससे निर्मित वस्त्र बहुत ही महंगे होते हैं और स्पेशल ओकेजंस के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। इनका अधिकांशतः प्रयोग कपड़े की ऑर्नामेंटेशन देने, गोटे किनारे इत्यादि के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग अधिकांशतः राजा महाराजाओं के वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। सिल्वर, यह भी सॉलिड फॉर्म में माइन से प्राप्त होता है, खानों से प्राप्त होता है। इसका कलर व्हाइट होता है। यह है, इसको मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के पश्चात इससे धागे का निर्माण किया जाता है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस काफी अधिक होती है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी काला पड़ जाता है। इसका भी प्रयोग अधिकांशतः कपड़े के ऑर्नामेंटेशन के लिए किया जाता है, यानी उसको अलंकृत करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस फाइबर रॉक से प्राप्त होते हैं। ये विभिन्न वैरायटी के रॉक से प्राप्त होते हैं। ये वैसे काफी मजबूत, फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट होते हैं। इनको विभिन्न प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। ये रेशे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं, यानी कि इसमें ताप का कोई भी बुरा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए इस एस्बेस्टस फाइबर से बने वस्त्रों का निर्माण अधिकांशतः अग्नि अवरोधी वस्त्र के लिए किया जाता है, जहां पे अज्वलनशील वस्त्र की आवश्यकता होती है।
तो ये देखा आप लोगों ने जो नेचुरल फाइबर यानी प्रकृति से प्राप्त रेशों से किस तरीके से विभिन्न फाइबर द्वारा यान और यान से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद आता है सिंथेटिक और केमिकल फाइबर, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।